क्वेश्चन ये है कि 8 मीटर हाइट का एक वर्टिकल सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल थर्मली इंसुलेटेड है और ठीक बीच में एक कंडक्टिंग पिस्टन है जिसका मास 8.3 kg के इक्वल है और जो पिस्टन है वो सिलेंडर में फ्रीली मूव कर सकता है। अगेन दोनों पार्ट में 0.1 मोल गैस है जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन है। इनिशियली पिस्टन को होल्ड करके रखा गया है, तो फाइंड करना है कि पिस्टन को रिलीज करने के बाद सिस्टम जब दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो उस समय पिस्टन और सिलेंडर के टॉप के बीच सेपरेशन क्या होगा, मतलब यहाँ पर जो एक्स है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि पिस्टन कंडक्टिंग है, तो कन्फर्म है कि इक्विलिब्रियम के समय दोनों पार्ट में जो गैस है उसका टेम्परेचर इक्वल होगा। दूसरी बात ये कि सिलेंडर का वॉल थर्मली इंसुलेटेड है, तो कन्फर्म है कि सिलेंडर के थ्रू हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उस पर नेट फोर्स 0 अप्लाई करते हैं। अगेन मान लेते हैं कि ये जो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसमें ऊपर वाले पार्ट में जो गैस है उसका प्रेशर P1 के इक्वल है और नीचे वाले पार्ट में जो गैस है उसका प्रेशर P2 के इक्वल है। अगेन पिस्टन कंडक्टिंग है, तो कन्फर्म है कि दोनों पार्ट में गैस का टेम्परेचर इक्वल होगा। मान लेते हैं गैस का टेम्परेचर T के इक्वल है। ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पिस्टन। ये पिस्टन है, इसका एरिया मान लेते हैं स्मॉल a के इक्वल है, तो इस पर जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो इसका वेट है mg। ठीक है, और जो कॉन्टैक्ट फोर्स है दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय द गैसेस। अगेन ऊपर वाले पार्ट में जो गैस है वो पिस्टन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, और अगेन नीचे वाले पार्ट में जो गैस है वो पिस्टन पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। ऊपर वाला पार्ट पिस्टन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करेगा और हो जाएगा P1 इंटू एरिया। अगेन नीचे वाले पार्ट में जो गैस है वो पिस्टन पर अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करेगा और हो जाएगा P2 इंटू एरिया। तो पिस्टन पर नेट फोर्स 0 है, सो वी हैव P1A प्लस mg इक्वल टू P2A। दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट दोनों पार्ट के लिए PV इक्वल टू nRT अप्लाई करते हैं। सो फॉर अपर पार्ट P1 इंटू V दैट इज A इंटू X इज इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.1 इंटू R इंटू T। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड फॉर द लोअर पार्ट वी हैव PV दैट इज P2 इंटू वॉल्यूम, ये हो जाएगा A इंटू 8 माइनस X इक्वल टू nRT दैट इज 0.1 इंटू R इंटू T। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अगेन सिलेंडर का वॉल थर्मली इंसुलेटिंग है, तो कन्फर्म है कि सिलेंडर के थ्रू हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो अप्लाई करते हैं कि सिलेंडर के अंदर जो भी गैसेस है उस पर एक्सटर्नल एजेंट वर्क किया है और उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज किया है, मतलब है कि अगर सिलेंडर के अंदर जो भी गैसेस हैं उनकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी UI है और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट WEX है, देन वी हैव इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू द फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पर जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द पिस्टन। ठीक है, हियर वी हैव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द पिस्टन, तो ग्रेविटी पिस्टन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स अप्लाई कर रहा है और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में x-4 के इक्वल है। ठीक है,
हम देख सकते हैं कि निचली पिस्टन सिलेंडर के टॉप से 4 मीटर नीचे था और इस समय पिस्टन सिलेंडर के टॉप से x मीटर नीचे आ गया है। तो कंफर्म है कि पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन में x माइनस 4 के इक्वल है। सो दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द पिस्टन, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से इजीली एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक वी हैव डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। डी क्यू इज द हीट गिवन टू द सिस्टम, डी यू इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड डी डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पर जो सिलेंडर है उसका वॉल थर्मली इंसुलेटिंग है, तो कन्फर्म है कि डी क्यू की वैल्यू जीरो है, ठीक है। सो वी हैव जीरो इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग वी हैव जीरो इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू, दैट इज टोटल वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। अगेन वर्क डन बाय द गैस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट एंड दिस इज बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम इजिली एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि वर्क डन बाय द गैस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। क्या करते हैं कि पिस्टन पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। वी हैव वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द पिस्टन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पिस्टन। लेकिन हम देख सकते हैं कि पिस्टन की इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड दोनों जीरो है। सो वी मस्ट हैव वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द पिस्टन इक्वल टू जीरो, ठीक है। दिस इंप्लाई दैट पिस्टन पर एक तो ग्रेविटी वर्क किया है और दूसरा गैस का वर्क है, ठीक है। वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल टू डब्ल्यू ई एक्स, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। तो कन्फर्म है कि दोनों का सम जीरो होगा। सो वी हैव डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ई एक्स, तो यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। सो दिस इक्वेशन विल बी जीरो इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। इन दोनों टर्म को इस तरफ लेके आते हैं, सो दिस इंप्लाई दैट यू इनिशियल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू यू फाइनल। क्लियरली दिस इक्वेशन इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो कन्फर्म हो गया कि ये जो इक्वेशन है एक्चुअल में ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ही है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि सबकी वैल्यू पुट करते हैं। वी हैव इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इक्वल टू एन सी वी टी, ठीक है, इसको यूज करेंगे। सो दिस इंप्लाई दैट इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, तो इनिशियली सिलेंडर के अंदर जो टोटल गैस है उसका मोल 0.2 है। सो दिस विल बी 0.2 इंटू सी वी, दिस इज आर बाई गामा माइनस 1 इंटू टेम्परेचर विच इज 300 के प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ये हो जाएगा एम जी इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगेन टोटल मोल
0.2 है, सी भी इज इक्वल टू आर बाई गामा माइनस वन, और टेम्परेचर जो है वो टी के इक्वल है। ठीक है, अगेन यहाँ पर पिस्टन का मास स्मॉल एम और आर की वैल्यू दोनों सेम है, तो हम आर को स्मॉल एम से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट इस टर्म को उस तरफ लेके जाते हैं, ये हो जाएगा जी दैट इज 10 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू, तो इसमें 0.2 बाई गामा माइनस 1 कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा टी माइनस 300। ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 और 3 से P1A और P2A की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव Mg इक्वल टू P2A माइनस P1A, P2A हो जाएगा 0.1 इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 8 माइनस एक्स माइनस P1A, और P1A हो जाएगा 0.1 इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, दिस इंप्लाई दैट अगेन स्मॉल एम और आर दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम स्मॉल एम को आर से कैंसिल कर देते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 10 इक्वल टू, तो इसमें 0.1 टी कॉमन ले लेते हैं, 0.1 इंटू टी कॉमन, और ये हो जाएगा 1 बाई 8 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 टी और एक्स में है, और जो इक्वेशन 4 है उसमें टी भी है एक्स भी है और साथ में गामा भी है, तो कन्फर्म है कि यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गामा की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि गैस को मोनो एटॉमिक एज्यूम करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वी हैव गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ, एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू 3 होती है। ठीक है, सो गामा विल बी 1 प्लस 2 बाई 3। ठीक है, सो वी हैव गामा माइनस 1 इक्वल टू 2 बाई 3, तो क्या करते हैं कि गामा माइनस 1 की वैल्यू यहां पुट करते हैं, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव 10 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, ये हो जाएगा 2 बाई 3 इंटू टी माइनस 300। ठीक है, ये हो जाएगा 0.3, सो दिस विल बी 0.3 टी माइनस 90। ठीक है, तो क्या करेंगे कि यहां से टी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट 10 इंटू एक्स माइनस 4 90 को इस तरफ लेके आएंगे, ये हो जाएगा प्लस 90 इक्वल टू 0.3 टी, सो दिस विल बी 3 इंटू 0.1 टी, और 0.1 टी की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स इंटू 8 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 8 प्लस एक्स, दिस इज 2x माइनस 8। ठीक है, तो अब हम यहां से x की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले
10 को कैंसिल करते हैं एंड दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 8 इक्वल टू ये हो जाएगा 24x माइनस 3x स्क्वायर ठीक है. सो दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10x माइनस 40 इज इक्वल टू 24x माइनस 3x स्क्वायर ठीक है. तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं. ये हो जाएगा 5x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x और 24x इधर आ जाएगा ये हो जाएगा माइनस 22x माइनस 40 इक्वल टू 0 ठीक है. तो यहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं. क्या करते हैं कि 22x को पुट करते हैं 20x ठीक है. वहां से हमें x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी ठीक है. सो दिस इंप्लाई दैट 5x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 40 इक्वल टू 0 ठीक है. यहां से हमें x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 ठीक है. सो दिस इंप्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज 4 प्लस माइनस रूट अंडर 4 स्क्वायर ये हो गया 16 माइनस माइनस प्लस 32 डिवाइड बाई 2 ठीक है. दिस इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 48. तो इसमें अगर हम 16 कॉमन ले लें ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 3 ठीक है डिवाइड बाई 2. सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 इंटू रूट 3. कन्फर्म है कि माइनस नहीं होगा प्लस होगा ठीक है. So this implies that x is equal to 2 into 1 plus root 3. ठीक है. This is equal to 2 into root 3 is equal to 1.732. ये हो जाएगा 2.732. ठीक है. So this is equal to 5.464 ठीक है. मतलब यहाँ पर जो x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 5.464 की इक्वल है प्रोवाइडेड द गैस इज मोनोटोमिक. और एक बात ये कन्फर्म है कि x की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो इस वैल्यू से स्लाइटली ग्रेटर होगी. इस बात को भी हम इजीली एस्टेब्लिश कर सकते हैं ठीक है. यहाँ पर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखते हैं ठीक है. दिस कैन बी रिटन एज 5x स्क्वायर
माइनस 40 इक्वल टू 22x, ठीक है, एंड दिस कैन बी रिटन एज 5x स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू 20x, ठीक है। हम क्लियरली दे सकते हैं कि इसमें x की जो वैल्यू होगी वो इसमें x की वैल्यू से स्लाइटली ग्रेटर होगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है वो पैराबोला है, ठीक है, ये एक पैराबोला होगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, और जो पैराबोला है वो देखने में कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अगेन 22x 20x दोनों स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसका स्लोप ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया 20x और ये हो गया 22x, ठीक है, क्लियर है कि 20x के लिए s की वैल्यू कम होगी और 22x के लिए s की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर होगी। तो कन्फर्म है कि s की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो 5.464 से ग्रेटर होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।